अब इस दिग्गज अभिनेता की हालत हुई खराब, कराया गया अमेरिका के अस्पताल में भर्ती। मशहूर कॉमेडियन कादर खान के चले जाने के बाद से उनके फैंस और पूरा बॉलीवुड सदमे में है। लेकिन इसी बीच बॉलीवुड के एक और दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को लेकर बुरी खबर आ रही है। बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उन्हें अमेरिका के लॉस एंजेलिस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या है समस्या? जानकारी के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती को पीठ से जुड़ी समस्या के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले भी उन्होंने इलाज कराया था, जिसके बाद उन्हें आराम मिला था। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें फिर से यही परेशानी होने लगी, जिसके बाद उन्हें अमेरिका के लॉस एंजेलिस के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिल्म के शूटिंग के दौरान हुए थे घायल। दरअसल साल 2009 में आई फिल्म लक्मे हेलीकॉप्टर से कूदने का स्टंट करते वक्त उन्हें बैक इंजरी हो गई थी, जिसके बाद से मिथुन को यह इंजरी परेशान कर रही है और उम्र के बढ़ने के साथ ही यह इंजरी उनके लिए मुसीबत बनती जा रही है। आपको बताना चाहेंगे कि मिथुन के अलावा संजय दत्त, इमरान खान और श्रुति हसन भी इस फिल्म में लीड रोल में नजर आए थे। जानकारी के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके बेटे महा अक्षय और बहू मदालसा भी साथ में मौजूद हैं। वहीं मिथुन चक्रवर्ती के हालत में धीरे धीरे सुधार आ रहा है और हम कामना करते हैं कि वे जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई तो इसे लाइक करके हमें फॉलो करना ना भूलें।